Hi, in this video, I want to discuss how we convert the given infix expression into the resultant postfix expression. Okay, so sabse pehle hume ye discuss karna hai ki infix expression kya hai and postfix expression kya hai. So if the operator lies between the operands, then the given expression is known as infix expression. And if the operator lies after the operands, then the given expression is known as postfix expression. Now, question को start करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे operator का precedence level क्या है. So, हमारे पास कौन-कौन से operators available होते हैं? Power, asterisk, divide, plus, minus. So, plus minus की precedence सबसे lower होती है और इनकी precedence आपस में same होती है. Asterisk and divide की precedence plus minus से higher होती है. एंड एस्ट्रिक और डिवाइड की आपस में प्रेसिडेंस सेम होती है. पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हायर होती है. सो द प्रेसिडेंस लेवल इज शोन एज लाइक दिस. प्लस माइनस हैज लोअर प्रेसिडेंस, एस्ट्रिक डिवाइड हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस माइनस बट लोअर प्रेसिडेंस देन पावर, एंड पावर हैज द मोर प्रेसिडेंस. ओके, सो इन चीजों को हमें माइंड में रखना है जब भी हम अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. नाउ हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करते हुए अपने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है. सो रूल नंबर वन, अगर स्टैक में हमारे पास पहले से कोई लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमने बाद में रीड किया है, तो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर भी स्टैक में जाके लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर के साथ में एड हो जाता है. दिस इज द रूल नंबर वन. वॉट इज, अगर स्टैक में पहले से हमारे पास लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है एंड हम उसके बाद कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर को रीड कर रहे हैं, देन हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमारा लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर के साथ में स्टैक में ऐड हो जाता है. देन व्हाट इज रूल नंबर टू, अगर स्टैक में हमारे पास पहले से कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है एंड उसके बाद हम कोई लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर रीड कर रहे हैं, देन हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमारा पॉप हो जाएगा एंड लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमारा स्टैक में जाके ऐड हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द रूल नंबर थ्री, अगर स्टैक में हमारे पास पहले से कोई ऑपरेटर है एस्ट्रिक एंड उसके बाद हम कोई ऑपरेटर रीड कर रहे हैं डिवाइड, नाउ यू नो दैट डिवाइड एंड एस्ट्रिक बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस, देन इन दैट केस ऑल्सो एस्ट्रिक हमारा पॉप होगा एंड डिवाइड हमारा स्टैक में जाके ऐड हो जाएगा. एंड हमें यही थ्री रूल्स फॉलो करने हैं जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो एक बार फिर से देखते हैं, रूल नंबर वन क्या बोलता है कि अगर हमारे स्टैक में पहले से लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और हम कोई बाद में हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर को रीड कर रहे हैं, देन हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर लो प्रेसिडेंस ऑपरेटर के साथ में ऐड होता है. रूल नंबर टू, अगर स्टैक में पहले से हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर है एंड कोई लो प्रेसिडेंस ऑपरेटर हम बाद में रीड कर रहे हैं, देन लो प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमारा स्टैक में जाता है एंड जो पहले से हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर था वो हमारा स्टैक से पॉप हो जाता है एंड ऐड हो जाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में. एंड व्हाट अबाउट रूल नंबर थर्ड, इफ बोथ ऑपरेटर हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल, इन दैट केस ऑल्सो जो ऑपरेटर आपका पहले से स्टैक में था वो आपका पॉप हो जाएगा एंड जो आपका इनकमिंग ऑपरेटर था वो आपका स्टैक में जाके पुश हो जाएगा. सो ये थ्री रूल्स हैं जिनको हमें रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट अस नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट अबाउट लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड व्हाट अबाउट राइट पैरेंथेसिस. सो ऑलवेज रिमेम्बर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस, एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस आर ऑलवेज पुश इनटू द स्टैक एंड राइट पैरेंथेसिस आर यूज्ड फॉर पॉपिंग पर्पस. फॉर वन राइट पैरेंथेसिस वन लेफ्ट पैरेंथेसिस इज पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक, एंड वेन एवर अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड इज रीड आउट, देन पॉप द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक अंटिल यू गॉट द फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस. ओके, so let us start and check how we convert the given infix expression into the resultant postfix expression.